आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आपके लिए 17 जनवरी की शुभवर्धन की। एक होता है बाह्य मुक्ता, कि आप हमेशा बाहर ही बाहर सोचते रहें, औरों के बारे में सोचते रहें और क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या रिलेशनशिप्स उनके आसपास, किसकी किसके साथ में झगड़ा हो रहा है, किसका किसके साथ में मिल रही है, किसकी क्या चटपटी बातें चल रही है, क्या मीठी मीठी रस भरी बातें चल रही है। ये सारी चीजें हमें रस के जैसे महसूस होती हैं और हम रियलाइज नहीं करते हैं कि हम अपना कितना समय वेस्ट कर देते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो साथी हो, फ्रेंड्स हो, चाहे पुराने फ्रेंड्स हो, चाहे कोई भी हो। एंड स्पेशली हमारा ये जो फेसबुक का जो जमाना है, इंस्टाग्राम का जो जमाना है और व्हाट्सएप का जमाना है, किसने क्या स्टेटस डाला है, किसने क्या चीज लिखी हुई, किसने क्या फोटोग्राफ्स डाली है, हम इतना समय उसमें डाल देते हैं कि हम अपना जो एक्टिंग करने के लिए आए हैं, अपना जो रोल अदा करने के लिए आए हैं, वो ही हम भूल जाते हैं। तो आज परमात्मा इसी के बारे में बता रहे हैं हमें। आज उनके मुख से हम सुनते हैं। परमात्मा कहते हैं, बाह्य मुक्ता के रसों की आकर्षण के बंधन, परमात्मा ने कहा है, बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त भवा। जीवन में अगर आपको मुक्ति चाहिए, अगर आपको हल्कापन महसूस करना है, आपको शांति चाहिए, आपको खुशी चाहिए, आपको शक्तिशाली महसूस करना है, आपको अपने काम में फोकस रहना, क्या करने के लिए आए हैं वो ही करना है अगर आपको, तो ये बाह्य मुक्ता में जाना थोड़ा बंद करना पड़ेगा। तो परमात्मा कहते हैं, बाह्य मुक्ता अर्थात व्यक्ति के भाव स्वभाव, उसके नेचर, उसके एक्शंस, उसकी कैरेक्टर, उसके संस्कार हैबिट्स और व्यक्त भाव के वाइब्रेशन, उसके फिजिकल जो है, उसके प्रेजेंस के वाइब्रेशंस, संकल्प, वो क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या संबंध में आते हैं, किस किसके साथ में संबंध में है, क्या संपर्क में है, और फिर उनके बारे में अपवित्र सोचना, वेस्ट सोचना, गलत सोचना, ये हो गई ऐसे, इसने ये पक्का पहुंच लगा के काम करवाया होगा, इसने ये पक्का घूस दे के काम करवाया होगा, इसके मन में तो कुछ ना कुछ गलत चल रहा है, ये सारी चीजें सोचना दिन भर, और ये चल रहा है घर घर की कहानी है सारी चीजें। हम बाहर औरों के बारे में, बाहर बाह्य मुक्त में ज्यादा रहते हैं, किसने क्या कहा, किसी घर में क्या हुआ, किसी घर में क्या अच्छा नहीं हुआ, किसी घर में क्या अच्छा हुआ, और हम बस हम लॉ मेकर बन जाते, कहते हैं देखा उसने करा ऐसे था, ऐसे होना ही था उसके साथ में, अच्छा बुरा, और हम अपने आप को भूल जाते हैं, हम जज की गद्दी में खुद बैठ जाते हैं और हम जजमेंट देना शुरू कर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ऊपर भी एक सुप्रीम जज बैठा हुआ है जो कि हमें भी जजमेंट देगा किसी दिन, कि हमने किसी के बारे में क्या सोचा है, क्या बुरा सोच रहे हैं, क्या उसके बारे में हम गलत सोच करके औरों को फैला रहे हैं। तो परमात्मा इसलिए कहते हैं, संपर्क द्वारा एक दो को व्यर्थ की तरफ उकसाने वाले, क्या क्या करते हैं हम, एक दूसरे को व्यर्थ की तरफ उकसाने वाले, सदा किसी ना किसी प्रकार के व्यर्थ चिंतन में रहने वाले, बेकार बातें, किसने क्या किया, किसके ड्रामा में क्या हो रहा है, किसके एक्टिंग में क्या हो रहा है, किसके पार्ट में क्या हो रहा है, किसके रोल में क्या हो रहा है, ये सारी चीजों से हमें क्या मतलब है। जितना हो सके हम इन चीजों से जितना अपने आपको मुक्त रखेंगे, उतना हम खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। देखते हैं कि परमात्मा कहते हैं इसके बारे में, ना किसी प्रकार के व्यर्थ चिंतन में रहने वाले आंतरिक सुख शांति और शक्ति से दूर हो जाते हैं। अगर आप व्यर्थ चिंतन में रहेंगे तो आप आंतरिक खुशी शक्ति और शांति से दूर हो जाएंगे। ये है बाह्य मुक्ता के रस, भी बाहर से बहुत आकर्षित करते हैं, खींचते हैं, अच्छा उसने ऐसे किया, अरे उसके घर में ऐसी बातें हो रही थी, अच्छा उसके बेटे ने ऐसे किया, उसकी बेटी ने ऐसे किया, अच्छा उसका डिवोर्स हो गया, ये सारी बातें रस लगती हैं, मीठी लगती हैं, क्योंकि अपना सब कुछ ठीक चल रहा होता ना, या अगर अपना नहीं ठीक चल रहा होता, किसी का गिर जाता, खराब हो जाता, तो लगता है चलो हम तो ठीक है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, इसलिए पहले इसको कैंची लगाओ, इन बातों को, ये जो हमारे संकल्पों की जो थ्रेड जारी है, जो कि सूक्ष्म एक डोर है जो कि हमें दिखती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मा एक एनर्जी है, उसकी ऊर्जा यहाँ कहीं ना कहीं ऐसे जारी होती, किसी घर में पहुंची हुई होती है, किसी बाजू वाले के घर में पहुंची हुई होती है, किसी रिश्तेदार के बारे में सोच रही होती है बहुत देर तक, उन उधर तक पहुंच रही होती है। आप सोचो कितनी ऊर्जा जाती होगी किसी रिश्तेदार के बारे में, दूर बैठे हुए रिश्तेदार के बारे में सोचना, आत्मा की कितनी एनर्जी वहां तक फैल रही होती है। आप इमेजिन करो, आप एक कंसंट्रेटेड एनर्जी हो, लेकिन आप अपनी एनर्जी को डाइल्यूट कर देते हो, और बहुत समय तक आप अगर डाइल्यूट करते हो उस एनर्जी को, तो आप थक जाते हो सोच सोच के। अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो जो कि बैठा हुआ है तमिलनाडु में, और आप बैठे हो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में, या बैठे हो ईस्ट में, आप बार बार उसके बारे में सोच रहे हो, उसकी छवि बना रहे हो, उसके घर की छवि बना रहे हो, उसके रिश्तेदारों की छवि बना रहे हो, और आप उसके बारे में सोच रहे हो कि उसने क्या किया, उसने ऐसे नहीं करना चाहिए, उसने ऐसे क्यों बोल दिया, उस घर में ऐसा हो गया, आप जितना सोच रहे हो, आप इमेजिन करो आप
आत्मा की एनर्जी इतने दूर तक वहां तक फैल रही है, वाइब्रेशंस जा रही है वहां तक आपकी, कितनी ताकत लग रही होगी आत्मा को वहां तक फोकस करने में, वहां तक फोकस करने में, हजारों किलोमीटर दूर तक फोकस करने में कितनी एनर्जी जा रही होगी। और ये एनर्जी आप सेव कर सकते हो, परमात्मा इसलिए कह रहे कैंची लगाओ, समझाओ अपने आप को, हे आत्मा वहां मत सोच, उसके बारे में, उनके बारे में, उन लोगों के बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है, उल्टा ये एनर्जी ऊपर भेजो ताकि वहां से कुछ अच्छी वाइब्रेशन आए। कह सकते हैं अपने आप को ऐसे, समझा सकते हैं बार बार, समझा समझा करके समझना है ये बातों को, और तब जाकर के आत्मा की जो एनर्जी है जो कि चारों तरफ इधर उधर फैल रही है, कभी इसके बारे में सोचा कभी उसके बारे में सोचा, वो क्या हो जाएगी, संकीर्ण हो जाएगी, तब जाकर के वो संकीर्ण होकर के एक डायरेक्शन में ऊपर जाएगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं कैंची लगाओ, ये रस ही सूक्ष्म बंधन बन, ये बंधन है, परमात्मा ने इतना शक्तिशाली शब्द यूज किया है, ये बंधन बन सफलता की मंजिल से दूर कर देते हैं, ये बंधन है, समझिए इनको। क्यों, आप इमेजिन करिए, अगर आप चार पांच लोगों के बारे में दिन भर सोच रहे हैं तो आपके चार टाइप के धागे, सूक्ष्म कहूंगा धागे, संकल्पों के धागे चारों तरफ फैल गए हैं, और चारों तरफ फैलने से आप उनको एक बेड़ियों के जैसे समझे, एक जंजीरों के जैसे समझे, आपने जंजीरें फेंक दी हैं, आप एक जहाज से आपने लंगड़ आपने फेंक के रखी हुई चारों तरफ, और आप जहाज आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है जीवन में, लेकिन लंगड़ उसने फेंक के रखे हुए, कभी रिश्तेदार के बारे में, कभी साथी के बारे में, कभी पास्ट के बारे में, कभी इधर कभी किधर, आपने चारों तरफ फेंक के रखे लंगड़, और आप आत्मा के लंगड़ वहां पकड़े हुए जकड़े हुए हैं, और आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो लाइफ में, कैसे होगा, लंगड़ों को काटो, वो उनको काटना बहुत जरूरी है, उन एंकर्स को काटो, चेन्स को काटो आप, ये परमात्मा समझा रहे हैं। ये रस ही सूक्ष्म बंधन बन सफलता की मंजिल से दूर कर देते हैं, जब इन बंधनों से मुक्त बनो तब कहेंगे जीवन मुक्त। इसी जीवन में रहते हुए आप इन बंधनों से मुक्त, तो आपके अंदर संकीर्णता आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, और शक्ति से आप परमात्मा के साथ में आप ध्यान में बैठ पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है मेडिटेशन करने का। इसके साथ ओम शांति।